हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टोरंटो डायरीज़। सो आज हम इटोबिको ड्राइव टेस्ट सेंटर में हैं और हम दूसरा ड्राइव टेस्ट का रूट करने वाले हैं जी लाइसेंस के लिए। सो ये 2022 मॉडिफाइड रूट है ड्राइव टेस्ट सेंटर इटोबिको में। सो जो सबसे पहली चीज़ एग्जामिनर हमसे चेक करता है या जो हमें ड्राइव टेस्ट में करनी होती है वो है कि जब हम आते हैं तो हम अपनी गाड़ी इन स्लॉट्स में लगाते हैं, विच इज़ लाइक रिजर्व स्लॉट्स फॉर ड्राइव टेस्ट सेंटर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर्स मैंशन है, तो आप किसी भी नंबर पे, जिस भी नंबर पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आप वो नंबर याद कर लें, लिख लें, अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर लें, क्योंकि वो आपको अंदर जाके कियोस्क में एंटर करना होता है। सो कियोस्क में आपसे वो पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपके कौन से स्पॉट में पार्किंग कर रखी है अपनी गाड़ी, आपने हाईवे पे कितनी ड्राइव कर रखी है, तो ये मेंशन करिएगा। डोंट मेंशन लेस देन 10, सो ट्राई टू मेंशन कि आपने 10 बार से ज़्यादा चला रखी है। तो आपसे पूछेंगे कि 80 प्लस स्पीड लिमिट वाले हाईवेज़ पे कितनी चलाई है, 400 एक्सप्रेसवेज़ पे कितनी चलाई है, तो जो 401 है, 403 अगर आप टोरंटो में हैं, या 427 है, 410 है, बहुत सारे हाईवेज़ हैं, 400 सीरीज़ हाईवे। सो 10-15 टाइम्स मेंशन करिए, और अलॉन्ग विद डैट ये भी मेंशन करिए, पूछते हैं वो कि आपसे एवरेज ड्यूरेशन कितना था आपका, मतलब एवरेज ड्राइव कितनी थी, 5 किलोमीटर्स, 5 to 15 किलोमीटर्स और मोर देन 15। सो आप अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं प्लस 15 किलोमीटर्स की आपकी एवरेज ड्राइव थी हर बार, और आपने 15-20 टाइम्स आपने ड्राइव कर रखा है। सो उसके बाद जब आपका एग्जामिनर आपके पास आएगा और वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका आज कौन सा टेस्ट है, एंड देन एग्जामिनर विल इंस्पेक्ट योर कार। इन द इंस्पेक्शन दे विल चेक सिग्नल्स, तो वो हमारा लेफ्ट सिग्नल, राइट सिग्नल चेक करेगा, फ्रंट से, बैक से, हॉन्क करवा के चेक करेगा, एंड देन द एग्जामिनर विल ऑल्सो चेक द ब्रेक लाइट्स। सो मेक श्योर आपकी ब्रेक लाइट चल रही है, एंड देन द एग्जामिनर विल कम सिट इन द कार। वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा, मैच करेगा कि आप ही हो जिसको टेस्ट देना है, एंड देन एग्जामिनर विल आस्क यू टू स्टार्ट द टेस्ट। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे कि वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, जो ड्राइव टेस्ट सेंटर का कॉम्प्लेक्स है, एंड वी हैव टू गो ऑन द एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट टूवर्ड्स हाईवे 427। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग योर कार, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि आपको पूरी कार का चेक करना है चारों तरफ क्या हो रहा है। सो एक तो आप तीनों मिरर्स देखिए, बैक मिरर देखिए, साइड मिरर्स देखिए, प्लस ब्लाइंड स्पॉट चेक करिए जिस साइड आपको टर्न लेना है। सो जैसे मैं राइट टर्न लेना है तो मैं राइट साइड का ब्लाइंड स्पॉट चेक करूँगा, मैं गाड़ी का डाउन गियर पर डालूंगा और उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। एंड नाउ वी हैव टू टेक राइट टर्न एंड देन इमिडिएटली लेफ्ट टर्न, बिकॉज हमको बाहर निकलना है। सो अभी जब हमें लेफ़्ट टर्न लेना होगा तो स्टॉप साइन है, सो मेक श्योर करिए कि आप 3 सेकंड का स्टॉप लेते हैं और उसके बाद ही आप आगे चलते हैं। सो लेट्स टेक अ स्मॉल स्टॉप एंड देन लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट, एंड नाउ एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट पे वन वे स्टॉप है, तो ये सिर्फ हमारा स्टॉप साइन है। सो आप स्टॉप करिए एंड देन यू चेक वेदर देर इज़ एनी ट्रैफिक इन द फर्स्ट लेन टूवर्ड्स यू और नॉट। अगर कोई ट्रैफिक नहीं है तो आप एग्लिंटन एवेन्यू पे मर्ज करिए एंड देन एक्सेलरेट टू 60 किलोमीटर्स पर आवर, अगर क्लियर रूट है। अगर क्लियर नहीं है तो जो भी रोड पे जो ट्रैफिक चल रहा है उसकी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली आप मर्ज करिए, बट मेक श्योर कि आप स्पीड लिमिट पर ही गाड़ी चलाएं, स्पीड लिमिट को से ज़्यादा तेज ना चलाएं, और अगर आपकी खाली रोड है तो उससे 5 से कम, मतलब अगर आपके अप्रॉक्स 60 स्पीड लिमिट है, सो आप 55-60 के बीच में ही ड्राइव करें कंटिन्यूसली, डू नॉट accelerate above 5, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस। जो भी इंटरसेक्शन आपका आ रहा है, हमें हर इंटरसेक्शन पे देखना है कि उधर से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, कोई इमरजेंसी व्हीकल तो नहीं आ रहा है। सो हर इंटरसेक्शन को चेक करिए एक बार हल्का सा अपनी नेक, तो आपको ये सिर्फ आँख घुमा के मत देखिएगा, हमेशा नेक टर्न करके चेक करिए। रीज़न भी कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने चेक किया है या नहीं किया है। अगर एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा, आपने हल्की सी आँख घुमा के देखा और एग्जामिनर को नहीं दिखा, सो एग्जामिनर समझेगा कि आपने चेक नहीं किया, तो वो आपके उसमें पॉइंट्स डिडक्ट कर देगा। सो इसीलिए कोशिश करिए कि अपनी गर्दन घुमा के देखें, जब भी आप मिरर देख रहे हैं तो आप पूरी अपनी नेक ट्विस्ट करें और तब आप देखें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई आप जो उसको रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप कर रहे हैं। नाउ एग्जामिनर विल आस्क अस इन बिटवीन कि हमें लेन चेंज करना है, तो वो एक बार मेरे से यहाँ पे लेन चेंज करवाता है आफ्टर ऑर्बिटर ड्राइव। सो वी विल चेंज द लेन वंस व्हेन इट इज़ सेफ, सो देर इज़ नो ट्रैफिक बिहाइंड मी, सो आई एम चेंजिंग द लेन, एंड देन एग्जामिनर में आस्क अस टू चेंज द लेन बैक और टू ड्राइव इन द सेम लेन। सो अगर हमको वो
रेनफोर्थ एवेन्यू से राइट टर्न करवाता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पर हमसे लेन चेंज वापस करवा देगा राइट में, और वो राइट में क्योंकि हमें टर्न करना है। बट इस वाले रूट में जो हमारा ये सेकेंड जी रूट है तो उसमें हम लेफ्ट टर्न करेंगे रेनफोर्थ एवेन्यू से हाईवे 403 जाने के, सॉरी 427 जाने के लिए, तो हम इसीलिए फर्स्ट लेन में जो कि पासिंग लेन माना जाता है उसमें ड्राइव करेंगे। सो मेंटेन सेफ डिस्टेंस ऑलवेज, जब भी कोई सिग्नल क्रॉस करते हो तो लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, स्पीड लिमिट मेंटेन करो, यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, सो मेंटेन द स्पीड लिमिट एंड देन ड्राइव इन योर लेन, मेक ऑल द ऑब्जर्वेशंस, चेक योर मिरर्स। Now we are crossing Commerce Street and immediately after crossing Commerce Street we have to turn left. ठीक है, अब हम लेन चेंज करेंगे, एग्जामिनर बोलेगा लेन चेंज करो, तो वही करना है, सिग्नल मिरर ब्लाइंड स्पॉट एंड देन वी विल गो इन द सेकेंड लेन फ्रॉम द लेफ्ट। हम लेफ्ट मोस्ट लेन पे नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमें राइट टर्न करना है हाईवे की तरफ, सो वी विल बी इन द सेकेंड लेन एंड so we will take a left on the second lane and then immediately we will take a right turn on the highway. So यहाँ पे advance signal है, so जब advance signal होगा तभी आपको turn करना है, उसके अलावा हमें turn नहीं करना है। So let's wait. Okay, चलो अब हम जाके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। सो आपको कभी भी आपका सिग्नल अगर आपके पास तीन से ज़्यादा हैं या अगर आपका लेफ्ट टर्न सिग्नल राइट टर्न सिग्नल अलग से लिखा हुआ है, सो वी हैव टू फॉलो दैट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रेट की लाइट ग्रीन नहीं होती है, सिर्फ टर्न की लाइट ग्रीन होती है, सो तो उसी समय आपको टर्न लेना है अगर आप टर्न ले रहे हो, और अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो तो उसी समय आपको स्ट्रेट जाना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर सबसे आगे खड़े हैं तो कभी भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप पेडेस्ट्रियन को ज़रूर देखेंगे। मतलब नॉर्मली जब आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, तो इन दैट केस आपको सॉरी मैं कोई टर्न लेना था तो मुझे अपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करना था, एंड नाउ वी विल टेक अ टर्न टूवर्ड्स द हाईवे, सो आई विल स्टार्ट दैट पार्ट अगेन। ओके एंड नाउ यस, दिस इज द हाईवे 427 साउथ, आई विल चेंज द लेन टू माई राइट एंड देन आई विल turn towards highway 427. Okay, now we are turning towards 427 south. यहाँ पे yield sign है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको yield करना है जो गाड़ी आ रही है, and then we will start accelerating our car to 100 kilometers per hour. So immediately accelerate your car. You have time, क्योंकि अभी अगर आप देख रहे हो तो ये lane close 200 meters पे हो रही है, 100 speed पे जाइए and then give signal and then check space. जब space मिले आपको बीच में तो आप merge कर सकते हैं गाड़ी को अपनी, एंड देन वी हैव टू डू वन मोर लेन चेंज बिकॉज ये वाली भी जो लेन है वो बंद होने वाली है, सो मेक अ सेकेंड लेन चेंज एंड देन ड्राइव स्ट्रेट इन दिस लेन। ओके, सो बेस्ड ऑन जो भी हाईवे का स्पीड हो, जो भी हाईवे पे ट्रैफिक आपका चल रहा है उस स्पीड पर चलिए। सो लेट्स गो स्ट्रेट, मेंटेन द स्पीड, अगर आप पॉसिबल है 100 पे चलाना तो 100 पे चलाएं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उससे कम चलाएं। अगर गैप मिलता है सो एग्जामिनर में आस्क अस टू मे डू अ लेन चेंज, सो वी आर गोइंग टू डू अ लेन चेंज नाउ, सो गिव सिग्नल मिरर ब्लाइंड स्पॉट एंड व्हेन इट इज सेफ टू डू सो चेंज द लेन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द लेन चेंज अगेन बैक टूवर्ड्स द राइट साइड. So there are a couple of cars going behind me, so I will wait for them to pass on and then I will make a lane change when it is safe to do so. So ek bar examiner aapse ye left right zarur karwayega merging ke baad, to merging to karenge aap, uske baad aapko ek bar left lane mein change karna hoga and then you have to come back to the right lane and then we will take exit on Burnham Thorpe Road and then we will take the highway back towards the drive test center. सो जब भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन इज़ द स्पीड लिमिट, दैट यू मेंटेन द स्पीड लिमिट, इवन जब भी आप लेन क्रॉसिंग करते हैं, लेन चेंज करते हैं तो भी आपको अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलनी है। उसके अलावा यू शुड हैव अ सेफ डिस्टेंस, सो सेफ डिस्टेंस इज़ लाइक द डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 seconds, सो जो आपके आगे वाली गाड़ी है उससे आपका डिस्टेंस जो है वो 2 to 3 seconds होना चाहिए।
एंड द थर्ड थिंग इज योर ऑब्जर्वेशंस. सो अपने आप मिरर्स चेक करते रहिए, तीनों मिरर्स चेक करिए. एंड नाउ वी हैव टू टर्न टूवर्ड्स ब्रेंथम थॉर्प ड्राइव. सो वी आर गोइंग टू चेंज द लेन टू द राइट एंड देन वी आर गोइंग टू ड्राइव इन दिस लेन. सो अब हमको पहले हमें लेफ्ट लेना है ऑन बर्नहैम थॉर्प ड्राइव एंड देन इमीडिएटली हमको राइट लेना है. तो क्योंकि हमें राइट लेना है तो हम सेकेंड लेन से लेफ्ट मुड़ेंगे. सो डू नॉट गो इन द फर्स्ट लेन, लेफ्ट मोस्ट लेन में नहीं जाइएगा, सेकेंड लेन में ड्राइव करिए. और अब हमारे सामने एक और आई गेस ये टेस्ट ही हो रहा है, तो टेस्ट की कार है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो इट फॉर सम टाइम आई गेस. लेट्स सी इफ दे आर गोइंग टू ड्राइव ऑन स्पीड लिमिट, देन वी विल फॉलो देम, एल्स वी विल हैव टू ओवरटेक देम. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जब भी आप रेड लाइट पे सबसे आगे खड़े होते हैं तो जब भी आपका सिग्नल ग्रीन होता है सो यू हैव टू चेक लेफ्ट राइट फॉर पेडेस्ट्रियन एज वेल. अदरवाइज आप इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक के लिए चेक करते हैं, और अगर आपका वो अगर आपका ट्रैफिक नहीं है तो भी आपको पेडेस्ट्रियन के लिए चेक करना है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपका लास्ट में कोई पेडेस्ट्रियन भागता हुआ रहा हो. सो व्हेनेवर यू आर टर्निंग चेक योर ब्लाइंड स्पॉट, तो कोई पेडेस्ट्रियन आपका भागता हुआ रहा हो तो आप उसको देखें. एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज लेन बिकॉज वी हैव टू टेक एग्जिट. सो आई एम चेंजिंग माई लेन नाउ and then I am going to merge towards 427 north. यहाँ पर जो speed है curve पे वो 40 है, so ये test नहीं दे रहा था. तो okay, let's say, so we will maintain the speed limit of 40. Take the curve. ये एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप curve लेते हैं तो एक तरफ आपके दोनों तरफ lines होती हैं, या तो white line होगी या वो आपकी yellow line होगी. So make sure you do not cut that line. So that is also a big no. कभी भी ये line को cross नहीं करना है, drive between the line. And then as soon as ये येलो लाइन चेंज होगा तो मैं स्टार्ट एक्सेलरेट करना शुरू करूँगा. एंड नाउ आई टू रीच 100 एंड देन आई हैव टू मर्ज ऑन टू द हाईवे. सो आई एम एक्सेलरेटिंग एंड नाउ आई हैव रीच्ड अराउंड 90 आई वुड से. सो 90 पे मैंने ले मर्ज किया है. सो आई विल ड्राइव लाइक बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेलरेट अप टू 100. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कार. सो यूजअली कोशिश करिए कि आप 100 के आसपास ही आप कोशिश करिए कि आप 100 के आसपास ही मर्ज करें, उससे कम पे ना मर्ज करें. सो एग्जामिनर मे आस्क अस टू परफॉर्म अनदर लेन चेंज और ही मे नॉट आस्क अस टू डू दैट, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर. सो स्टिल लेट्स डू वन मोर लेन चेंज. सो सिग्नल मिरर वेर इट इज सेफ टू डू सो, चेक योर ब्लाइंड स्पॉट एंड देन मर्ज द लेन एंड देन इफ यू वॉन्ट यू कैन मर्ज बैक. ठीक है, बट जो हमारी एक्सट्रीम लाइट लेन है वो अभी दूसरी तरफ टर्न होने वाली है, ग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन जाएगी, तो उस पर हमें नहीं जाना है. सो वी आर नॉट गोइंग बैक टूवर्ड्स द राइट लेन. सो वी विल ड्राइव इन द सेंटर लेन. और एग्जामिनर भी आपको आगे पीछे मतलब कभी भी बोल सकता है कि यू हैव टू चेंज लेन टू द लेफ्ट एंड देन ड्राइव इन द सेंटर लेन, बिकॉज ओवर हियर इफ यू सी जो हमारी राइट मोस्ट लेन है वो एग्लिंटन एवेन्यू की तरफ जा रही है, जिसमें हमें नहीं जाना है, मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रही है, हमें वेस्ट की तरफ जाना है. एक और चीज़ जो ध्यान रखिए, जो शुरुआत में जब भी हम नए नए आते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया से हम आ रहे हैं, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, लेन ड्राइविंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है. मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट, जैसे आप इस गाड़ी को देख रहे हैं, सो ये लाइन कट कर रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि आप लाइन कट ना करें. एंड नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट, वी हैव टू टेक अ एग्जिट. सो मेक श्योर करिएगा आप लेन में ड्राइव करें, कभी भी आप लेन्स की लाइन कट ना करें. It is also a big no. Yeah, it can be a reason कि अगर examiner आपको fail करता है. And now we have to drop down our speed and then we have to take exit towards Eglinton Avenue West. So अब एक अब हमें right turn लेना है. So we will go in the rightmost lane and we will it's a red light, so we will treat it as a stop sign. कभी कभी आपका जब आप curve पे होते हो तो ऐसा होता है कि आपका सिग्नल ऑटो ऑफ हो जाता है, तो अगर आपका सिग्नल ऑटो ऑफ हो रहा है तो मेक श्योर करिए कि आप उसको दोबारा ऑन कर लें. सो ये आवाज़ जो है, मतलब आपको जरूरी नहीं है डैशबोर्ड में देखना है, बट आप आवाज़ सुन सकते हैं. एंड नाउ आई एम वेटिंग, ट्रीटिंग इट एज अ स्टॉप साइन, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है. एंड नाउ आई एम टर्निंग, ऑलराइट, लेट्स एक्सेलरेट. सो अब हम एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट पर आ गए हैं, वापस ड्राइव टेस्ट सेंटर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 60 है. Now it is going to be a long drive towards our drive test center. Approximately, I guess 3 to 4 kilometers ki drive hogi at least.
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है कि यहाँ पे नॉर्मली आपको एक ही लेन में चलाना है, वो आपको लेन चेंज करने के लिए भी नहीं बोलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन बेसिक थिंग्स ध्यान रखनी है, कोई भी इंटरसेक्शन क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट राइट लेफ्ट देखिए, कोई भी आप सिग्नल पे खड़े हैं सिग्नल से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ट्रैफिक भी चेक करिए, प्लस जब आप लेफ्ट राइट लेफ्ट देख रहे हैं तो पेडेस्ट्रियन को भी देखिए, कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी चलाएं, दैट इज 2 to 3 seconds। नाउ हाउ आई विल कैलकुलेट 2 to 3 seconds, लेट्स से जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है वो ये वाइट पोल को क्रॉस करती है, नाउ आई विल स्टार्ट काउंटिंग 1001 1002 1003 1004, सो द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द कार अहेड ऑफ मी इज अराउंड 4 seconds, क्योंकि हमारी स्पीड कम है अभी 60 की है तो इतना डिस्टेंस है, तो ऐसे ही जब स्पीड ज़्यादा होगी तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस वो 2 seconds में आएगा, तो 2 to 3 seconds का सेफ डिस्टेंस लेके आप चलिए आगे वाली गाड़ी से। सो दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट, जब वो एक पिलर को क्रॉस करता है उसके बाद आप टाइम काउंट करना शुरू करिए कि आप उस पिलर तक या जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, बस स्टॉप या जिस भी चीज़ का, तो आप उस पर तक पहुँचते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अब मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूँ, जो मैं टाइम देख रहा हूँ पेडेस्ट्रियन के ऊपर आ रहा है वो 5 है, सो मैंने वो टाइम पहले ही देख लेता हूँ कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि जब तक मैं सिग्नल पे पहुँचूंगा तब तक वो सिग्नल कहीं येलो टर्न तो नहीं होगा। तो अगर आप इवन दो कि सिर्फ ड्राइव टेस्ट सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप ये पेडेस्ट्रियन के ऊपर लगा हुआ जो टाइम आ रहा होता है, अगर टाइम आ रहा है बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको देखिए, अगर वो वाइट है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा वो अभी तक वाइट था, वो 16:15 शो कर रहा है, तो अगर वो वाइट है तो दैट मीन्स यू हैव लॉट ऑफ टाइम, और अगर वो वाइट नहीं है उसमें कुछ आपका ऑरेंज में टाइम ग्लो कर रहा है तो आप वो टाइम देखिए कितना टाइम बचा हुआ है, अगर वो 3-4 seconds 5 seconds है तो आप पहले से ही ब्रेक करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपको इंटरसेक्शन पर रुकना होगा। मेंटेन स्पीड लिमिट, सो यहाँ पर क्या है कि बीच बीच में थोड़ी सी आपकी, कभी इसमें यहाँ पे स्लोप आ रहा है कभी यहाँ पे अपहिल आ रहा है, तो मेक श्योर करिए कि स्पीड लिमिट मेंटेन रहे, तो अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 के बीच में आपको चलाना है गाड़ी अपना, यूजुअली वो आपको लेन चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, सो जस्ट मेंटेन योर स्पीड लिमिट, सेफ डिस्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन, चेक मिरर एवरी 15 seconds। And now we are about to reach drive test center. So now the examiner will ask us to change the lane to the left. So I will give signal, check my mirror, check the blind spot, and then I will change the lane. And I will turn the signal off. This is also a very important thing. Because jab bhi aap lane change karte ho, to signal auto off nahi hota hai. So make sure you do the signal off. Ye bahut logo se galti hoti hai. सो मेरी तो ये आदत है क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ड्राइविंग शुरू करी थी तो मैं हमेशा सिग्नल पे टाइम देखता था कितना आ रहा है, तो ये मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ, तो इसलिए मुझे वो ये भी नहीं होता कि आपको इमीडिएटली बहुत तेज़ी से ब्रेक मारनी पड़े। एंड नाउ फ्रॉम हेयर वी हैव टू टर्न लेफ्ट, जैसे ही ये येलो लाइन जो सॉलिड लाइन है ये आपको एक लेन का ऑप्शन देती है, तो आप लेन चेंज करके आ जाएं बीच वाली मिडल लेन में, विच इज़ अ टर्निंग लेन, एंड देन वेट फॉर योर टर्न। सो देयर इज़ नो स्टॉप साइन ओवर हेयर, तो अगर आपका ये क्लियर है, मतलब अगर आपका सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इन दैट केस यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू टर्न, सो डू नॉट कंसिडर इट एज अ स्टॉप साइन। एंड जो कि हम अपना ड्राइव टेस्ट कर रहे हैं, ये जी ड्राइव टेस्ट है, तो अभी कुछ मैन्यूवर्स इन्होंने मॉडिफाई कर रखे हैं, तो हमें बैक पार्किंग नहीं करनी है, तो वो हमें एग्जामिनर सीधा लेके जाएगा और वो हमसे फ्रंट पार्किंग कराएगा, किसी भी स्लॉट में बोल सकता है वो फ्रंट पार्क करने के लिए। सो लेट्स पार्क ऑन द राइट साइड। एंड एक और चीज़ की कोशिश करिएगा, जब भी आप फ्रंट पार्क करते हैं तो कोशिश करिए कि आप लेन कट ना करें और आप एक बार में ठीक पार्किंग कर दें, आपको रिवर्स ना करना पड़े। सो गाइज, दिस इज़ द सेकेंड रूट ऑफ ड्राइव टेस्ट, देर इज़ अनदर रूट ऑफ इटोबिको ड्राइव टेस्ट सेंटर, सो आप मेक श्योर करिए कि वो आप दूसरा वीडियो भी देखें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल, प्लीज़ subscribe to my channel, like the video and share it with your friends and family. Bye-bye.